आपके जानवर को 6 से 7 लीटर जो है ना दूध बढ़ेगा, इजाफा होगा भाई। देखिए कई सालों से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ये जो जानवर है इसको कई दफ़ा हमने इन उसका आजमाया दिया, मतलब अगर है कि कम आ रहा हो, ये सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है, ठीक है, और बड़ा अच्छा नुस्खा है और लोग बाग बड़े इससे खुश बाश है, दूध में भी इजाफा होता चला जाएगा, दूध में फुटियाँ वगैरह भी नहीं आएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक मल्टी टैलेंटेड पाकिस्तान। दोस्तों रजा नदीम आपकी खिदमत में हाजिर है और बहुत खुशी होती है, आप लोग चैनल देखते हैं भाई और बीमारियों के आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो भाई आपने थंबनेल देख लिया होगा कि लहसुन की खीर से जो है ना क्या क्या ज़बरदस्त फ़ायदे होने वाले हैं, आपके जानवर को 6 से 7 लीटर जो है ना दूध बढ़ेगा, इजाफा होगा भाई जानवर के अंदर, तो डॉक्टर साहब ऐसा बेहतरीन जो है ना आज नुस्खा बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, वीडियो के अंदर सारी चीज़ें मिलेंगी, पूरी वीडियो देखिएगा आपको सारी मुकम्मल तफसीलात मिलने वाली है, तो चलते हैं वीडियो की जानिब। आइए मैं आप एक ऐसे जानवर जो इसमें मुब्तला था, दूध कम देता है, दूध के अंदर खुशबू आ रही है और थनों में सूजन है और मतलब खा कम रही है मैदे के लिए, मैं ऐसे जानवर से आपके मिलाता हूँ जिस पे ये नुस्खा आजमाया गया और वो कामयाब। लहसुन की खीर के मतलब मैं आपको बताऊँगा इसके मतलब क्या 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 फ़ायदे हैं। लहसुन की खीर के मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ये जानवरों में इस्तेमाल करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसके अंदर आया है हमारी आपके पास आती रहती है, मतलब ये आपने नुस्खा कितनी जगहों पर अप्लाई किए हुए हैं, कितने हमारे फार्मर भाई से, ये तो देखे कई सालों से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अच्छा, अब जिन लोगों को नहीं मालूम वो ख़ुद बताएंगे कि कितना फ़ायदा है, फ़ायदा होता रहा होता भी है यहाँ पर तो, और कितना नहीं फ़ायदा हुआ उसके देने में कोई गलती होगी जो फ़ायदा ना करता है, ठीक है। अब ये जानवर पहला जानवर बेफैलूज मैं आपको बता देता हूँ, ये जो जानवर है इसको कई दफ़ा हमने इन उसका आजमाया दिया और ये बिल्कुल ठीक है इस वक्त, मतलब काम कर रही है, ठीक है समझे, दूध में भी किसी किस्म की खुशबू नहीं है, दूध ज़्यादा भी दे रही है और मतलब थनों में सूजन वगैरह भी ख़त्म हो जाती है, फुटियाँ नहीं आ रही हैं दूध के अंदर और अपने इस्तेमाल में बेहतरीन कामयाब नुस्खे फार्मर इस चीज़ को तस्लीम कर रहा है। और अब इस नुस्खे के मुतालिक मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें देनी है, किस तरीके से देनी है, ये भी आपके सामने वाजा कर देता हूँ। बिल्कुल भाई, तरीका इस्तेमाल आप नोट कर लीजिएगा और इसी तरीके से डॉक्टर साहब यूज़ करना है जो तरीका आप बताने वाले हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप यूज़ करेंगे, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। देखिए इसमें लहसुन ले लें 100 ग्राम, ठीक है, अदरक ले लें 100 ग्राम और प्याज ले लें 500 ग्राम, 500 ग्राम से मतलब है आधा किलो, हाँ ठीक है। और इसके अलावा नमक ले लें 50 ग्राम, ठीक है, और हरी मिर्च 100 ग्राम, 100 ग्राम से मुराद है आधा पाव। इन सब को कूट के मिक्स कर लें और कूट लें, कूटने के बाद ये एक जानवर को एक टाइम पर खिलानी होगी, एक जानवर को एक कूट के पाँच या छः दिन ये नुस्खा आप उस जानवर को खिलाएं, ठीक है, इंशाल्लाह ताला भूख भी लगेगी, दूध में खुशबू वगैरह का मसला हल हो जाएगा, भूख पानी भी दबा के पिएगा बेहतरीन और दूध में भी इजाफा होता चला जाएगा, दूध में फुटियाँ वगैरह भी नहीं आएंगी। अच्छा, उसकी एक खुराक कितने की बन जाएगी, कितने ग्राम की बन जाएगी तकरीबन आपके हिसाब से? ये एक ही खुराक का नुस्खा है, ये एक ही खुराक देनी है, चार या पाँच दिन देनी है इससे मतलब इजाफा। लहसुन जो है वो 100 ग्राम आधा पाव एक जानवर की खुराक है, ठीक है, आधा, ठीक है। अदरक उसने बताया कि जी 200 ग्राम है, ये भी मतलब है कि एक ही जानवर की खुराक है, ठीक है, आधा पाव के करीब। और नमक बताया 50 ग्राम, 2-3 चम्मच हो जाते हैं, ये भी एक जानवर को आराम से दे सकते हैं, ठीक है, उसकी मकदार खुराक है, ठीक है, ठीक है ना। लहसुन तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, समझे ना, और ये थनों के अंदर सूजन हो, गिल्टी हो और मतलब दूध मतलब वगैरह कि कम आ रहा हो, ये सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है, ठीक है, और बड़ा अच्छा नुस्खा है और लोग बाग बड़े इससे खुश बाश है, ठीक है भाई। वो आप देखें बिल्कुल बहस पड़ी हुई है, डॉक्टर साहब ने कहा है कि इसकी ट्रीटमेंट्स वगैरह चलती रहती हैं। हम 2 नंबर पे मलक इरफान के बारे में खड़े हुए ये आपसे मतलब है गुफ्तगू कर रहे हैं और भैंस वगैरह दिखा रहे हैं, ये बहुत पुराना जद्दी पुश्ती इनके ये वर्किंग है, यही आपने जो है अपनी आपके हाथ की ट्रीटमेंट्स होती रहती है, वही आपने जो है ना शो करी है कि इससे जो है ना काफ़ी फ़र्क पड़ा है, ठीक है, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ कि भाई इस वीडियो से आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। देसी नुस्खे के साथ डॉक्टर जमील साहब जो हैं आपके साथ हाजिर थे। अगर डॉक्टर साहब किसी को कोई बीमारी है कुछ है तो वो कमेंट्स करके बता सकते हैं आपको उसकी बीमारी के बारे में? जी हाँ बिल्कुल, वो अपने मतलब कमेंट्स करके हमें सवाल बताएं, हम उसका इंशाल्लाह जवाब भी देंगे, हल भी बताएँगे,
ठीक है भाई, काफ़ी जो है ना तादाद में अगर दूध वगैरह बढ़ाने के हिसाब से डॉक्टर साहब की वीडियोस काफ़ी तादाद में मौजूद हैं चैनल के ऊपर, अगर आप लोगों ने नहीं देखी वो भी विज़िट करें। हर वीडियो के अंदर दूध बढ़ाने के अलग अलग नुस्खे इसीलिए होते हैं भाई क्योंकि हर जानवर की मिल्किंग कैपेसिटी और उसकी खुराक की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग नुस्खे दिए जाते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल आपको और भी वीडियोज़ के अंदर मिलती रहेगी, तो जो आपको नुस्खा पसंद आए, जो आपके जानवर को ज़्यादा सूटेबल लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो भाई इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।